पिछड़ी पिछड़ी सिस्टर, ये ऑक्सीजन मास्क क्यों निकाल दिया है? सर, बच्ची को ऑक्सीजन मास्क की जरूरत नहीं है, अब वो खुद से सांसें ले रही है, और आप देखिएगा बहुत जल्दी इसको होश आ जाएगा। श्री, मेरी मेरी बच्ची, सब ठीक हो गया। बजरंगबली, माफ कर देना, आप पर से थोड़ा विश्वास डगमगा गया था, पर अब यकीन हो गया कि एक आप ही है जो बिगड़ी बना सकते हैं। बच्ची, पता है तुम्हारा ऑपरेशन किसने किया? तुम्हारी मां ने। जिसने तुम्हें जन्म दिया, उसी ने फिर से जीवन दान दिया है तुम्हें। जल्द से जल्द अपनी आंखें खोलो, तुम्हारी मुस्कुराहट देखने के लिए तरस रहा हूं मैं। सर, ये कुछ मेडिसिन हैं जो हॉस्पिटल की फार्मेसी में नहीं है, ये आपको बाहर से लानी होगी। मैं भी लाता हूं। क्या रहे पहुंचे नहीं तुम लोग? क्या हुआ बे, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरे बॉस, ये तो उसी लड़की का बाप था। बॉस, अगर वो देख के पहचान जाता तो एक्सीडेंट वाली झूठी बात पे हमारा भरता बना देता। अच्छा हुआ बला टली, उधर वो घर पे जाके आराम से सोएगा और इधर तू चुपचाप लड़की को लेके कट लेना, समझ गया? जी बॉस। सुन, तू इनको वहां चेक कर, मैं आई को जाकर देखता हूं, ठीक है? अच्छा, अरे कमरों में ढूंढ, कमरों में। ये लड़की है तो 2 फीट की, पर है बहुत चालाक, इसीलिए हमारा सारा प्लान चौपट किया था। अब तू देख, ये 2 फीट की छोटी ही हमें राजा बनाएगी। राजा? जी जी बॉस। चल चल गया।